हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो टीम इंडिया इस साल की बात करें तो 2 बार चैंपियंस बन चुकी है। इस बार लेजेंड्स ने भी अगर हम देखें तो चैंपियन बना दिया है टीम इंडिया को। पाकिस्तान को हराया है 5 विकेट से। मेरा नाम है अरविंद और मेरे साथ है लव, और आज हम बात करेंगे मैच रिपोर्ट और हाईलाइट्स के बारे में। तो लव, टीम इंडिया फिर से चैंपियन बनी, मतलब हमारे जो लेजेंड्स जो पहले चैंपियन रह चुके हैं एक और बार चैंपियन बनाया, जिसमें यूसुफ पठान, इरफान पठान, युवराज सिंह सबका बड़ा हाथ। जी, और इसके साथ ही आपको बता दूं कि इससे पहले पाकिस्तान टीम ने जब इंडिया को हराया था तो एक वहां की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हमने बदला पूरा कर लिया। T20 जी जी जो वहां पे हारे T20 वर्ल्ड कप पे, तो जी बड़ा बदला ले लिया हमने। लेकिन फिर फाइनल में जब बड़े मुकाबला जहाँ पे आप परफॉर्म करना था वहां पे आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अब किसका बदला लेंगे वो सोचने वाली बात है। जी तो ओवरऑल स्कोर का आपको बताएं तो 156 रन बनाए थे पाकिस्तान ने। टीम इंडिया ने आसानी से, मैं कहूँ, दो एक बीच में थोड़े बैटर, युवराज सिंह की बैटिंग उस तरीके से नहीं चली आज, और अंबती रायटू जिनसे हमने देखा कि पूरा टूर्नामेंट उनका नहीं चला, लेकिन आज उनके बल्ले से रन आए। और बड़े मैच में आपने जैसा मुझसे बताया भी था कि बड़े मैचों में चलते हैं, और फिर लास्ट में यूसुफ पठान के छक्के, और पाकिस्तान की बॉलिंग आप देखें तो कैचेस पे कैचेस छूट रहे थे शोएब मलिक से। जी, और मतलब रायडू हमने देखा है सीएसके के लिए भी ऐसे रहता है कि जब जरूरत पड़ती तब चलते हैं। इसे फाइनल में चले थे जीटी के अगेंस्ट, जी वैसा ही आज कुछ देखने को मिला। एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले बैटिंग करी थी, 24 रन बनाए कामरान अकमल ने 19 बॉलों में, 4 चौके, 26 का स्ट्राइक रेट। शर्जील का कुछ खास नहीं रहा। मकसूद 21 रन 22 12 बॉलों में। शोएब मलिक ने अच्छा खेला, जी लेकिन वही स्ट्राइक रेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। 13 के स्ट्राइक रेट से अगर आप 20 ओवर में खेल रहे हैं थोड़ा कंसर्निंग है। 36 बॉलों में 41 रन और 15 बॉलों में मेजबान की बात करें तो 18 रन उन्होंने बनाए। बिल्कुल और इसके साथ ही आप देखिए कि बॉलिंग की बात करते हैं, राहुल शर्मा पहली बार ऐसा ही शायद राहुल शर्मा की कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी ठीक देखने में मिल रही है, 7.80 की। और जी अमरीत सिंह का अगर देखें तो 4 ओवर में 40 रन 3 विकेट आज उन्होंने लिए, तो थोड़ा अच्छा इनका एक स्पेल देखने को मिला हमें आज। विनय कुमार जी 4 ओवर 36 रन, और नेगी 4 ओवर। इरफान पठान की बात करें तो वो एग्रेशन भी दिख रहा था। हाँ, हमें पिछले मैच जीत के याद है बाद जब साउथ अफ्रीका का मैच था, क्वालिफिकेशन था, जी इरफान की और यूसुफ की लड़ाई भी हो गई थी। जी वो जो आउट हो गए तो उसके बाद थोड़ा इरफान पठान डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे। इरफान पठान ने आप बॉलिंग पे अच्छी लगाई थी, उन्होंने मात्र 12 रन दिए, 1 विकेट लिया, 4 की इकोनॉमी। और विनिंग रन भी आप देखिए जिस तरीके से प्रेशर सिचुएशन में आए थे, बिल्कुल। युवराज सिंह भी उस टाइम बहुत स्लो खेल रहे थे। यूसुफ पठान काफी, मैं कहूँगा, अच्छी पारियां खेली इस पूरी मैच में, पूरी अगर आप देखें टूर्नामेंट में तो। जी और आपकी बात करें, हम साथ में इंडिया की बैटिंग की बात करें तो रॉबिन उथप्पा जो पूरे टूर्नामेंट कर रहे थे, आज जरूर हम कहेंगे कि उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। रॉबिन उथप्पा देखे तो 10 रन बनाए 8 गेंदों में, और उसके साथ साथ अंबती राय 50 रन, और इरफान पठान और यूसुफ पठान के लास्ट के रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। पाकिस्तान की बॉलिंग में देखे तो सिर्फ आमिर यमीन और सोहेब तनवीर उस तरीके से नहीं चल पाए। तो ओवरऑल बॉलिंग बहुत ज्यादा शानदार रही टीम इंडिया की, और बैटिंग भी, और आज जीत दिलाई है। तो हाईलाइट्स इस मैच की देखे तो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स में बन चुके हैं, और चैंपियंस उनकी टीम में नाम भी था। तो एक और बार टीम इंडिया को इस साल चैंपियन बनने का हमें देखने को मिला, बहुत शानदार परफॉर्मेंस।